लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को शिकस्त देकर भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे लगभग 45,000 मतों से विजयी हुए हैं। उनकी इस जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर पटाखे फोड़े और जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं का आभार जताने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा राजनांदगांव पहुंचे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के 8 विधानसभा में से 5 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त ली है। ये कार्यकर्ताओं का परिश्रम और पराक्रम है। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव की जनता ने भूपेश बघेल के झूठ और फरेब को नकारा है। राजनांदगांव के लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी की जीत इस बात की सूचक है कि झूठ फरेब की राजनीति नहीं चलेगी, दबाव की राजनीति नहीं चलेगी। भूपेश बघेल जी ने यहां से चुनाव लड़ करके और झूठ बोल करके अनेक बातों के लिए यह कहा कि संविधान बदला जा रहा है, राशन कार्ड में 5 किलो दिया जाएगा और विभिन्न बातें कही, उन सारी बातों को जनता ने नकारा है। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत कार्यकर्ताओं की जीत है, भाजपा कार्यकर्ताओं की जीत है। हाँ, यह दूसरा आंकड़ा भी आप बता दे रहे हैं। मेरा कहना ऐसा है कि उनको भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आईना दिखा दिया है, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आईना दिखा दिया है। स्पष्टता के साथ काम करना चाहिए। प्रदेश में भी 11 में से 10 सीटें भाजपा की स्पष्ट आ चुकी है, लेकिन 10 सीटें तो भाजपा की स्पष्ट आ चुकी है। इन सारी बातों के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने परिश्रम किया है, मेहनत किया है, उन सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से अभिनंदन।